गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी जो है बरसात का शायद सीजन स्टार्ट होगा, तो अभी बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे देखने को मिला करेंगे। तो आज पहला दिन है, तो मैं दिल्ली से नहीं बोल रही हूँ, बालकनी में नीचे भैया होते हैं। तो बारिश शुरू हो गई है, पहले मैं कपड़े डाल के आई ऊपर, मेरे हस्बैंड ने सुबह उतारे होंगे, अंदर से की बात करते हैं। तो पहले तो इन्होंने उतारे होंगे कपड़े, 3 बजे 12 से 3 इनकी ड्यूटी थी, अभी डाल के आई थी। आकर मैंने थोड़ी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए मैंने एयरफोन लगाए थे कानों में, तो जैसे ही मैंने उतारे देखा कि आवाज आ रही है बारिश की, और देखा बाहर तो काफी बारिश थी और कपड़े जो सूखे थे वो गीले हो गए। स्किन खराब हो रही थी ड्राइनेस से, और जैसे मौसम चेंज होता है तो मेरी स्किन खराब होती है, एड़ियां हैं वो भी फटी हुई है, और जैसे आती है सडनली, जैसे जिस दिन बरसात होगी उसी दिन मतलब कि 50% जो है वो पाइन के ये ट्री है ना, इसके ऊपर अभी आजकल फ्लारिंग हो रही है, इसमें से येलो येलो सा पार्ट निकल के एक पाउडर सा होता है, वो उड़ के काफी एलर्जी करता है मुझे। इस बार मैं शायद उससे बच जाऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है कुछ ही दिनों से, कल भी हुई थी हल्की सी और परसों भी हुई थी। तो शुरू करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि डेली कुछ ना कुछ किया करूँ, कुछ ना कुछ नहीं मतलब टोमेटो से आज मैं थोड़ी ना स्क्रबिंग करूंगी बस, और कुछ नहीं। तो टमाटर ले लिया है मैंने, इसको अच्छे से ना वॉश कर लिया है, जैसे हम जिससे डिश वॉश होता है हमारा, जिससे बर्तन साफ करते हैं, लिक्विड हो या कुछ भी हो, तो बार हो तो चाहे लिक्विड हो तो उससे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। रीजन ये है, वैसे तो मैं करती ही हूँ, तो जो स्किन पे हमने लगाना है डायरेक्ट, तो उसके लिए भी हमें इसको अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि इस पे ना काफी तरह के जो पेस्टिसाइड वगैरह लगे होते हैं। तो मैं तो गार्डनिंग करती हूँ मुझे पता है, वैसे मैं करती नहीं हूँ, वैसे फार्मिंग में ये सब होता है। तो डायरेक्ट स्किन पे इसको सिर्फ सिंपल पानी से वॉश करके मत लगाएं, इसको अच्छे से रगड़ के साफ करके फिर यूज करें। तो अभी मुझे इसका एक ही स्लाइस चाहिए, कंटेनर सा मैंने ले लिया है, इसमें डालेंगे पहले शुगर चीनी, ये हम उसे ये हमारी तो थोड़ी मोटी है, तो इसका हम करेंगे एक स्लाइस, बाकी को हम रख लेते हैं ढक के। तो इसको मैं करूंगी, तो अब मैं आई हूँ वॉशरूम में, तो यहाँ पे मैं इसको रब करूंगी अपनी स्किन पे, तो इससे ना सारी टैन वगैरह जो भी होती है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन मैं ढेर हूँ, मैं वैसे नहीं करती हूँ, तो चीजें तो मुझे सारी पता है, लेकिन मैं करती हूँ। तो इसमें हमारे जैसे एंटी एजिंग भी होता है, रिंकल्स वगैरह को जैसे मतलब कि इससे जल्दी नहीं पड़ती है, एक टाइम पे पड़नी तो है लेकिन ये है कि थोड़ी सी सही रहती है। और इसमें ना थोड़े इस तरह के कुछ होते हैं वो, जिससे हमारी जो स्किन है थोड़ी शाइन करती है, जो हमारे हेयर होते हैं इसपे उसपे थोड़ा ब्लीच टाइप का इफेक्ट आता है कि थोड़ी मतलब गोल्डन होते रहते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इनको यूज करेंगे। इसको बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, खीरा हो गया, और नींबू से बहुत जल्दी ऐसे ब्लीच वाला इफेक्ट आता है, लेकिन मुझे सूट नहीं करता नींबू। अभी देखिए फिर से धुआं धुआं आ गया, बादल है, ये रोड देखो कितना गंदा हो गया पूरा बारिश से। फेस अपना साफ कर लिया और काफी मुझे फर्क लग रहा है, तो जो चीनी है ना उससे थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है स्किन, तो सही रहता है। तो शर्मी डेली करने की कह नहीं सकती, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं टैन होती है ना वो रिमूव हो चुकी है काफी, मुझे कैमरे में उतना नहीं लग रहा लेकिन मिरर में पता लग रहा है। तो मैंने ना कल ही देखो यहाँ से डस्टिंग की थी, अभी ये देखो ऐसे खा के छोड़ जाते हैं, तो ये सब मुझे उठाना है। डस्टिंग मैंने कल ही की थी, तो इतनी हवा चल रही है तो फिर से हो गया है, तो अभी ये सब काम करना है। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताना है कि गुड न्यूज आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो आजकल में या परसों में या मतलब 26 तक पता चल जाएगा, तो क्या होगा क्या मतलब कि अच्छा ही होगा मुझे पता है, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। तो बहुत मतलब टाइम से मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और मेरी जो मेहनत है वो मतलब कि कामयाब हुई है। टाइम बहुत लगा है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ मुझे पता है,
लेकिन फिर भी जो भी है मतलब अच्छा हो गया है, तो मैं जब वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, श्योर हो जाएगा, तो तब मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। तो बताया तो मैं काफ़ी दिन से सकती थी, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि ऐसे मुझे सस्पेंस जो है रखना अच्छा नहीं लगता। तो मैं बता देती हूँ चीज़ें, मतलब कि जिसको मैंने बतानी होती है। तो अभी बस 2-4 दिन की बात है, चाहे होने को आज ही हो जाए, नहीं तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो अब मैं फटाफट से काम शुरू करती हूँ। किचन का सारा हो गया है, आटा मैंने गूंद के रख दिया है, बर्तन साफ कर दिए हैं, क्लीन कर दिया है, बस अभी झाड़ू पोछा करना है। शाम रात शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी वॉक करके आई हूँ। तो मेरे हाथ ना बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया, इनको रेड रेड हो गए, जैसे खुजली भी हो रही है। तो ये चले गए हैं बॉर्डर और मैं रह गई हूँ अकेली। तो अभी खाना बना हुआ है रात का ही, तो वही खाऊंगी, चावल और आलू मटर की सब्जी। तो अभी 7:30 हुए हैं, तो 8 बजे या 8:30 बजे खाना खा लूंगी। तो अकेले तो खाना मन नहीं करता कुछ भी काम करने को। तो आज काफ़ी बारिश हुई, लेकिन अभी शाम को मौसम ठीक हो गया, इसीलिए वॉक करके आए हैं, और ठंड भी हो गई है।